It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी GET CCH। एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही कमाल का होने वाला है, किसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डैम्स एंड स्पिलवेज। आज डैम्स हम लोग को शुरू करना है। एक बार सब लोग कमेंट करके बता देंगे यार ऑडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, फिर शुरू करते हैं क्लास को हम लोग, है ना। चलो ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं फटाफट। तो बढ़िया टॉपिक आज रहेगा हम लोग का यार, डैम एंड स्पिलवे का। तो इसमें क्या करने वाले हैं सर, जरा बताइए। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई ये अपना। हाँ, तो बाकी चलो, हमको सभी लोग जानते हैं यार सर की बेस्ट GET रैंक वगैरह, तुमको पता ही है सब कुछ, ठीक है। सर एक्सपर्ट है GET SE के अंदर, MTech सर ने यार IIT से कर रखा है। बेस्ट GET स्कोर सर का 92 है। टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे सर का अब लगभग 5 साल का हो चुका है GET SE के अंदर ही सिर्फ। और सब्जेक्ट सर तुमको ये सारे पढ़ाते हैं, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं सर अपना। अब इरीगेशन मैथ्स ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही है, तो 9:30 बजे सर हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स देख रहे हैं। और सर 1:30 बजे हमारा क्या चल रहा है, इरीगेशन का क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डैम इस वे लास्ट चैप्टर आ चुका है। CSN हमारा कोड है बेटा, इसको यूज़ कर सकते हो तुम और जुड़ सकते हो प्लस और आइकॉनिक पे। प्लस पे लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग फीचर्स, इंग्लिश हिंदी बैचेस, RIVs, बहुत सारे फीचर्स हैं। डाउट सॉल्विंग तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तुम्हारे पास कॉल और चैट दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें तुम एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो बढ़िया तरीके से। आइकॉनिक के अंदर तुमको बताएं अगर, तो यहाँ पे तुमको देखो एक पर्सनल कोच मिलता है, ठीक है। ये पर्सनल कोच तुमको 1-on-1 गाइड करेगा, तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो तुमको एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर मिल रहा है, उसके बाद तुमको बेस्ट नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हैं इन डेप्थ। यहाँ पे तुमको सेक्शन वाइज, क्वेश्चन वाइज तुमको टेस्ट एनालिसिस मिल रही है, मतलब बहुत ही बढ़िया टेस्ट एनालिसिस है, मतलब इसमें तुम बढ़िया से देख पाओगे सिस्टम सारा, ठीक है,
कि कहाँ क्या चीज़ें जा रही हैं और कितना इंप्रूवमेंट चाहिए, किन किन एरियाज में इंप्रूवमेंट करना है। बाकी यहाँ पे बूस्टर सेशंस भी हैं, ठीक है, बूस्टर सेशंस से यहाँ पे बढ़िया तरीके से स्टडी प्लानर की अगर हम बात करें, स्टडी प्लानर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी तुमको मिलेगा। मतलब तुम्हें तुम्हारी जो कस्टमाइज स्टडी प्लान है, कैसे कैसे पढ़ना है और परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करनी है, वो भी तुमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो बाकी फीस वगैरह अनअकैडमी के ऐप पे चेक कर लेना यार। और यहाँ पे तुमको पता ही है कि वन ऑन वन अब लाइव मेंटोर तुमको मिलता है, जिसके साथ तुम अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। मतलब एक्सपर्ट मेंटोर एक तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी हर एक क्वेरी को सॉल्व करेगा, ठीक है। एग्जाम स्ट्रैटेजी भी तुम देख सकते हो यहाँ पे। बाकी तुम अनलिमिटेड डाउट्स अपने पूछ सकते हो यहाँ पे, कभी भी पूछ सकते हो दिन में। एग्जैक्ट मैचेस तुमको यहाँ मिलेंगे, असिस्टेंस मिलेगी होमवर्क में, उसके बाद हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस तुमको मिलेंगे, उसके बाद तुमको लाखों क्वेश्चंस के एक्यूरेट सॉल्यूशंस तुमको यहाँ अनअकैडमी लाइब्रेरी में बढ़िया से मिल जाएंगे। फिर प्राइसिंग देख लेना ऐप पे, 29,000, 37,000, 42,000 रेस्पेक्टिवली है, एक डेढ़ और दो साल की, ठीक है, CS10 कोड लगाने के बाद। और अगर तुम आइकॉनिक की बात कर रहे हो तो 45,000, 58,000, 66,000 फीस है, एक डेढ़ और दो साल की CS10 कोड लगाने के बाद। कोड ज़रूर लगाओ ताकि तुम्हारा हार्ड अर्न मनी सेव हो सके यहाँ पे, और प्राइस हाइक होने ही वाला है जल्दी ही, तो CS10 कोड यूज़ करके तुम उस प्राइस हाइक से बीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, 6th of October तुम यहाँ देख सकते हो, 6th of October से दुष्यंत सर, तुम देख सकते हो दुष्यंत सर हैं, उन्होंने शुरू किया है क्या 7:15 बजे इरीगेशन। तो इरीगेशन जो बैच शुरू हुआ है, बैच N है ये तुम्हारा आरोहण वाला, इसमें तुम जोड़ सकते हो और 7:15 बजे इरीगेशन सर से पढ़ सकते हो बढ़िया से, ठीक है। तो इसमें उम्मीद कर रहे हैं तुमको कोई डाउट वगैरह नहीं है यहाँ पे। चलिए सर, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना। अब आते हैं यार अपने कंटेंट के ऊपर, ठीक है। बढ़िया तरीके से आज हम लोग शुरू करने वाले क्या डैम्स, ठीक है, क्या होता है डैम, की ज़रूरत क्या पड़ती है, स्पिलवे क्या होता है, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो वाटर डैम्स तुमने सुन रखा होगा, होता क्या यार, बढ़िया सी नदी होती है भाई, है ना। अपने यहाँ तुमको पता ही है कि जो अपना प्यारा भारत देश है उसमें जो अपना नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे बहुत सारी बढ़िया बढ़िया नदियाँ हैं, उनमें बहुत सारी पावर है, उस पावर को हार्नेस करने के लिए हम लोग जनरली डैम्स बनाते हैं, ठीक है। डैम्स का मेनली मेजर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जैसे समर सीज़न आता है तो पानी की बड़ी कमी हो जाती है नदी वगैरह में, और हम लोग की जो डिमांड है वो फुलफिल हो नहीं पाती है। तो डैम बनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक बड़ा सा रिजर्वायर बन जाता है, उसमें पानी जब मानसून होती है, जब बारिश होती है, जब ठीक है तुम्हारा पानी ज़्यादा रहता है नदियों में, तो उस पानी को हम लोग स्टोर कर रहते हैं डैम के पीछे, नदी में डैम के पीछे बहुत सारा पानी स्टोर कर लो। फिर जब तुम्हारा समर वापस से आए तो फिर वही सारा पानी यूज़ होता है हमारे इरीगेशन में और बहुत सारी चीज़ों में, पावर जनरेट करते हैं लोग डैम के थ्रू। तो डैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई नदी, ठीक है, कोई नदी है, कोई रिवर वैली है जहाँ पे आपका पानी बराबर फ्लो करता रहता है, ठीक है सर, वहाँ पे आपको क्या करना है, उस फ्लोइंग वाटर को एक बैरियर लगा के रोक देना है और पीछे बहुत सारा पानी सर भर जाएगा, बस यही जो प्रक्रिया है सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, डैम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हैं सर हम लोग यहाँ पे कि व्हाट इज़ अ डैम, बात करते हैं जरा यहाँ पे, व्हाट इज़ अ डैम, देखो सर, देखिए सर यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज़ अ डैम, सर अ डैम मे बी डिफाइंड एज अ सॉलिड बैरियर कंस्ट्रक्टेड एट सूटेबल लोकेशन। हाँ, लोकेशन उसकी कैसे चूज करनी होती है इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। अक्रॉस रिवर वैली विद अ व्यू ऑफ इम्पाउंडिंग वाटर फ्लोइंग थ्रू दैट रिवर। अब हमारा मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा यहाँ पे वो ये था कि हम बहुत सारा पानी इम्पाउंड कर लें उसके पीछे, मतलब बहुत सारा पानी रिजर्वर में स्टोर करके रखा है ना। अब सर काम किसके आता है, किस चीज़ों के काम आता है सर, वो बताइए। देखो यहाँ पे अगर तुम काम देखना शुरू करो तो सर पहला काम इसका यहाँ पे यूजेस, मतलब हम लोग क्यों बना रहे हैं डैम, आखिर डैम अपना क्यों बनाया जा रहा है, उसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं सर कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी। सर आपने ज़रूर कहीं सुन रखा है ये क्या कि जब पानी गिरता है तो बहुत सारी एनर्जी डेवलप करता है, ठीक है, जब पानी हमारा गिरता है तो बहुत सारी एनर्जी डेवलप करता है, तुमने सुन रखा होगा ये। तो उससे टरबाइन घूमती है यार, तो जब पानी गिरता है टरबाइन घूमती है बिजली पैदा होती है, सबने पढ़ा होगा ये, है ना, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो हाइड्रो पावर एनर्जी यहाँ पे डेवलप करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पानी सिंचाई के लिए भी यूज़ होता है, इरीगेशन पर्पसेस के भी यूज़ होता है सर, ठीक है, मछली पालन के लिए भी सर, क्योंकि आपके पास वाटर इतना सारा है तो आप उसको अपने हिसाब से फिश फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कभी सर सूखा वूखा पड़ जाए, ड्रॉट्स वगैरह पड़ता है, ड्रॉट्स उनको पता ही है पानी की जब कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, बारिश लगातार नहीं हो रही है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तब आप सर सूखे से लड़ने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सर देखिए, पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको फ्लड बोलते हैं, पानी बहुत कम हो जाए तो उसको ड्रॉट बोलते हैं। तो जब सूखा पड़ रहा है तब भी लड़ाई कर पा रहे हैं सर आप, क्योंकि पानी अभी बहुत सारा स्टोर रखा हुआ है, लेकिन जब कभी बाढ़ आ रही है, जब कभी बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, जो अपने बांध बनाए हैं यहाँ पे डैम वगैरह, ठीक है,
उनके पीछे बहुत सारा पानी भर सकते हैं हम लोग, उनके पीछे बहुत सारा पानी भर देंगे और हमारा डैम जो है वो फ्लड को कंट्रोल कर लेगा। जैसे तुमको अगर शायद पता हो 2013 की बात है, उत्तराखंड में बहुत भयानक बाढ़ आई थी, मतलब पानी बहुत ज़्यादा बरसा था, तो टिहरी डैम ने बहुत सारा पानी कंट्रोल करके रखा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा वाटर, जो बहुत सारा एक्स्ट्रा वाटर था वो वहाँ पे स्टोर हो गया, नहीं तो वो डाउनस्ट्रीम में आता और उसके गंगा किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर तुम्हारे बने हुए हैं उनमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता अच्छा खासा। तो डैम ने मतलब फ्लड को मिटिगेट किया, फ्लड के इफेक्ट्स को थोड़ा सा कम किया, ठीक है, आफ्टर मैथ को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि डैम भी अच्छा खासा पानी स्टोर कर लेता है। कैसे स्टोर करता है वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसके असर आप वाटर सप्लाई कर सकते हैं घरेलू कामों के लिए और नेविगेशन फैसिलिटीज़ भी आपकी बेहतर हो जाती है, क्योंकि जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सर आप यहाँ पे नेविगेशन फैसिलिटीज़ भी उसके साथ साथ प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे आपका पानी के थ्रू हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आई बात। अब हम लोग बात करते हैं कि डैम के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। देखो चैप्टर मेनली हम लोग क्या देख रहे होंगे कि डैम होता क्या है, डैम के टाइप्स क्या हैं, उसमें से मेन डैम हमारा ग्रेविटी डैम है जिसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसके उस पर कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं ये क्वेश्चन बनता है, तो फोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं ना, ड्रेनेज गैलरी क्या, मतलब बहुत सारे पार्ट्स, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी डैम के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वही सब पूछते रहते हैं। फिर स्पिलवेज के कारण थोड़ी चीज़ें पूछी आती हैं, एलिमेंट्री प्रोफाइल आता है, तो देखो तुम पढ़ना शुरू करो तुमको समझ में आएंगे कि डैम्स में क्या क्या चीज़ें पूछी आती हैं जनरल, ठीक है। चलो उम्मीद करें यहाँ तक सबको सब समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डैम की सर, है ना, बहुत सारे टाइप के डैम होते हैं सर। तो सर अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, यहाँ डिस्कशन करते हैं सर हम लोग, तो अगर हम यहाँ बाय स्ट्रक्चर बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि सर उसका वो सर स्ट्रेट है या कंटिन्यूस फॉर्म में बनाया गया है या उसको मोड़ दिया गया आर्च शेप में, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे सर यहाँ पे हमारा जो डैम है वो कई प्रकार का होता है सर, है ना। पहला आपका सर होता है आर्च डैम, दूसरा हमारा होता है ग्रेविटी डैम। देखिए आर्च डैम सर आपका बेंट शेप में रहता है, हूवर डैम जो है USA में तुमको शायद पता हो, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है और आर्च है वो पूरा, है ना। और अपने अपने इंडिया में एक केरला में है इदुक्की डैम, दिखाएंगे इमेजेस लेके आए हैं, इमेजेस तुमको दिखाते हैं हम, बड़ा मज़ा आएगा भाई तुमको देख के, ठीक है। बाकी ग्रेविटी डैम होता है सर कंक्रीट का बना होता है, एकदम भारी होता है बहुत, ठीक है। बटरेस डैम है, आर्च ग्रेविटी है, बैराज है, एम्बैंकमेंट डैम है, ठीक है सर, रॉकफिल्ड डैम है, कॉन्क्रीट फेस रॉकफिल्ड डैम है, अर्थफिल्ड डैम है, मतलब सर दुनिया भर की चीज़ें हैं सर, यहाँ दुनिया भर की चीज़ें हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे चार टाइप के जो मेन डैम होते हैं, मेनली हमारा ग्रेविटी, आर्च, एम्बैंकमेंट, रॉकफिल, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, बाकी तो तुम अपने आप समझ ही जाओगे क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है, बैराज तो तुमको हम देखो ऑलरेडी बता चुके हैं, हम लोग वाटर डाइवर्जन के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बैराज बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं और उसके पीछे पानी को इंपाउंड कर लेते हैं, तुमको पता है, लेकिन हाँ उसकी हाइट ऑब्वियसली कम होती है। डैम्स का थोड़ा सा बड़ा काम होता है, डैम्स का काम होता है पानी को स्टोर भी करो, पानी को स्टोर भी करो भाई। देखिए बैराज वियर का काम पता है सर क्या है, कि आपने सर वॉल्स या गेट्स उठा दिए, अब सर आपने बैराज पानी उसके पीछे रखा हुआ है सर, आप उसको सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं, स्टोर नहीं करते हैं वहाँ पे। अच्छा खासा पानी आपको स्टोर करना है तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे, जिसको हम लोग डैम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूज़ के हिसाब से अगर देखें हम, देखो यूज़ के हिसाब से देखो, सैडल डैम है, वियर का काम कर सकता है, चेक डैम होता है, ड्राई डैम होता है, डाइवर्जनरी डैम है, अंडरग्राउंड डैम है, टेलिंग्स डैम है, मतलब बहुत सारे डैम बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, ठीक है। अब देखो नाम में लिखा है डाइवर्जनरी डैम, मतलब इस डैम को बनाया इसलिए क्या, पानी को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर अंडरग्राउंड डैम, ड्राई डैम, चेक डैम, ठीक है, तो मतलब तुम देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ अलग अलग टाइप के डैम होते हैं। मटेरियल के बेसिस से हम देखें यहाँ पे, तो टिम्बर का डैम बन सकता है, स्टील डैम बनता है, टिम्बर डैम अब फिलहाल बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, स्टील डैम भी आउटडेटेड हो चुके हैं, अब इतना नहीं यूज़ होते हैं। आजकल हमारे जल्दी डैम्स हमको देखने को मिलते हैं, वो चलते हैं कॉन्क्रीट के, कॉन्क्रीट डैम्स हम लोग को सर देखने को मिलते हैं आजकल, ठीक है। तो चाइना में तुमको पता ही है बहुत बड़ा डैम एक बना हुआ है। और अदर टाइप के डैम क्या होते हैं हमारे सर, कॉफर डैम होता है, नेचुरल डैम, बीवर डैम, चलो इतना फिलहाल नहीं जानना। अब हम शुरू करते हैं अपने मेन टाइप के डैम के, ठीक है सर। देखिए चार मेन टाइप के डैम है, एक होता है हमारा ग्रेविटी डैम, सर लोग बहुत ध्यान देंगे यहाँ पे, फोकस करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा। चलिए बताइए सर, सर पहला मेरा कौन सा सर, ग्रेविटी डैम, ठीक है, ग्रेविटी डैम की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ बात कर रहे होंगे आर्च डैम की, आर्च डैम की हम लोग बात करेंगे बढ़िया से। उसके बाद हम लोग बटरेस डैम की बात कर रहे होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और लास्ट हम लोग एम्बैंकमेंट डैम की बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये चार हमको बढ़िया से समझने हैं, ठीक है, अर्थफिल, रॉकफिल। तो चलो एक एक करके देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा तुमको, काफ़ी सारी कहानी जानने को मिलेगी आज यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ग्रेविटी डैम क्या होता है भैया, ग्रेविटी डैम मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर सर, देखिए आपकी नदी है पीछे, आपने सर यहाँ एक बड़ा सा भयानक सा स्ट्रक्चर बना दिया और उसके पीछे खूब सारा पानी भर दिया सर, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये स्पिलवे है, स्पिलवे मतलब जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो आपका यहाँ डैम के ऊपर से
नीचे गिरने लगेगा, ठीक है, डैम के ऊपर से नीचे आपका ये गिरने लगेगा, ठीक है, देख पा रहे हो ये स्पिलवे है, तो पीछे सर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। अब सर ग्रेविटी डैम का मतलब क्या है, सर देखिए अगर हम इसको पढ़ के बताएं आपको तो क्या समझ में आ रहा है सर, अ ग्रेविटी डैम इज़ अ डैम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉन्क्रीट और स्टोन मेसनरी। सर यहाँ पे आपने ज़रूरी है कि आपने यहाँ कॉन्क्रीट यूज़ किया हो और स्टोन यूज़ किया हो, बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए हो, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर एकदम कट करके आपने यहाँ पे लगा दिया हो, ठीक है, उनको फिर जोड़ दिया हो आपने, एंड डिज़ाइंड टू होल्ड बैक वाटर बाय मेनली यूटिलाइजिंग द वेट ऑफ द मटेरियल अलोन। मतलब सर ये डैम इतना भारी है सर, इसका वजन इतना ज़्यादा है कि पीछे जो पानी इसको धक्का लगा भी रहा है, सर पीछे से पानी धक्का लगाएगा, देखिए सर ये इसको देखिए, इसको आप देखिए, यहाँ पे मैं एक एनिमेटिक तुम कह सकते हो इमेज है यहाँ पे तुम्हें, ठीक है, इसमें क्या समझ में आ रहा है सर हमको, देखिए पीछे से पानी बहुत फोर्स लगा रहा है लेकिन इस डैम का वेट इतना ज़्यादा है कि वेट की वजह से ये मूव कर ही नहीं रहा। वेट से क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होगा, जितना वेट ज़्यादा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा तो इस पानी के फोर्स को वो ओवरकम कर जाएगा और डैम कहीं नहीं जाएगा। तो ग्रेविटी का मतलब ही क्या हुआ, एक ऐसा डैम जो इतना भारी हो सर, जिसका वेट फोर्स को, ठीक है, झेल पाए, जिसका वेट इतना ज़्यादा हो कि सर सारे फोर्सेस को ऑल अलोन अपने वेट से ही रेजिस्ट कर पाए, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी डैम। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटी डैम बोलते हैं सर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर, उसका जो वेट ऑफ द मटेरियल है, मतलब कॉन्क्रीट का जो वेट है, वो अकेले ही सर रेजिस्ट कर लेगा सारे हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑफ वाटर को जो कि डैम को आगे पुश कर रहा होगा। और भी कई तरह के फोर्सेज लगते हैं यहाँ पे, जैसे कभी कभी वेव्स आती हैं, कभी कभी हवा बहुत ज़्यादा चलती है डैम के पास में, उनको पता ही खुला एरिया है पूरा, तो सर इन सब एरिया में सर क्या है ना, तब भी जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डैम का वेट है वो सब कुछ सारे फोर्सेस को झेल लेगा, ठीक है, बीट आइस प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, बीट आपका सर वेव प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो सर आपका वाटर प्रेशर सब कुछ झेल लेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलिए बढ़िया चीज़ है सर, ग्रेविटी डैम्स आर डिज़ाइंड सो दैट ईच सेक्शन ऑफ द डैम इज स्टेबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डैम सेक्शन, ठीक है, हर एक डैम सेक्शन सर इंडिपेंडेंट है और बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ज़्यादातर सर आपको ग्रेविटी डैम्स आपको स्ट्रेट देखने को मिलेंगे बढ़िया से, और सम मेसनरी एंड कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम्स हैव द डैम एक्सेस कर्व्ड टू एड स्टेबिलिटी थ्रू आर्च एक्शन, ठीक है, सही बात है। तो ये तुमको बताया, ये जो होते हैं जिसके अंदर हम ग्रेविटी डैम को थोड़ा सा ऐसे कर्व देते हैं, अगर मान लो इसी डैम को हम ऐसे थोड़ा सा मोड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ से, तो ये हमारा आर्च ग्रेविटी हो जाता है, क्योंकि आर्च एक्शन तुमको पता है कि नहीं, तुमको पहले हम थोड़ा सा आर्च एक्शन के बारे में समझा देते हैं। देखो आर्च एक बड़ी कमाल की चीज़ होती है यार, तुमने स्ट्रक्चर अगर पढ़ रखा हो, तुमने सुन रखा होगा कि आर्च के अंदर बेंडिंग मोमेंट ही नहीं आता सर, बताइए सर कमाल की चीज़ है कि नहीं, भाई दिमाग लगाया गया, दिमाग ही लगाया गया कि सर मान लीजिए सर मेरी बीम है ना, ये मान लीजिए सर मेरी बीम है, अब लोड लगाते हो तो ये बीम नीचे मुड़ जाती है तो बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है। तो मैंने क्या करा, मैंने दिमाग लगाया इसको उल्टा मोड़ दिया पहले, अब मैंने इसको उल्टा ऊपर मोड़ दिया, तो अब जब लोड लगाओगे तो ये ऑलमोस्ट एक तरह से सीधे फोर्स सीधे आने की कोशिश करेगी, तो इसका नेट बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट, अगर यूडी लग रहा होता है तो, मैं शायद पढ़ भी रखा होगा। फिलहाल हम यहाँ आर्च सेक्शन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर का टॉपिक है सर, मुझे बस इतना पता है कि आर्च जो होती है वो क्या करती है, अगर उसके ऊपर आप कोई लोड वोड लगा दें तो, मुझे सर एक बात पता है कि आर्च जब आप बहुत ज़्यादा लोड लगा देंगे तो वो सारा का सारा लोड जो है उसके एबटमेंट्स में ट्रांसफर जाता है एज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। आर्च पढ़ा है कि नहीं तुमने यार, पढ़ तो रखा ही होगा सब, ठीक है सर। आर्च होती है तो उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आ जाती हैं ना, तो जितना भी लोड है सर आपका हॉरिजॉन्टल में चला जाता है बाहर की तरफ, यही हमारा आर्च सेक्शन कहलाता है, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट आता नहीं, तो बड़ी कमाल की चीज़ है। तो आर्च ग्रेविटी डैम हो जाएगा अगर हम यहाँ पे इसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा ग्रेविटी डैम का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है यार, है ना, ग्रेविटी डैम का एक बहुत ही कमाल की एग्जांपल, बहुत ही ब्यूटीफुल, देखो इसको बहुत ध्यान से देखो, हम तो कह रहे हैं इसको तुम खुद से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या बता रहा है कि सर एक अपने डैम है भाखड़ा नंगल डैम है ना, काफ़ी पॉपुलर डैम है, ठीक है, हिमाचल में भाखड़ा है और नंगल जो है पंजाब में डाउन स्ट्रीम, देखो दो अलग अलग रीजन्स हैं वैसे, भाखड़ा जो है अलग है, नंगल अलग है, ठीक है। नंगल एक जगह है जो डाउन स्ट्रीम में है, भाखड़ा के डाउन स्ट्रीम, देखो ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, नदी का पानी इधर जा रहा है ना, तो डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर जब आगे जाओगे तब वहाँ पे नंगल एक जगह है और वहाँ पे नंगल डैम है ना, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हाँ उसको कॉम्बिनेशन में क्योंकि साथ में बनाए गए हैं तो भाखड़ा नंगल डैम हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे पंडित नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनकी विजन थी कि हाँ भाई इसको उन्होंने मंदिर का नाम दिया था, और पहली कॉन्क्रीट की जो बाल्टी थी वो नेहरू जी ने डाली थी यहाँ पे, और मंदिर बोल के इसको बहुत ही फेमस किया उन्होंने, ठीक है। तुम पढ़ सकते हो यहाँ पे कि भाखड़ा नंगल डैम इज़ द हाईएस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इन एशिया, एशिया में सबसे ऊंचा एंड सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सोचो भाई सेकंड हाईएस्ट आफ्टर व्हाट, बता सकते हो। वैसे पता है हमको लगता है अब ये सब चीज़ें चेंज हो गई होंगी, हमें लगता है ये सब डेटा पुराना है, अब चाइना ने इतने सारे डैम बना दिए ना, ये सब डेटा चेंज हो गया होगा,
तो अभी चाहो तो गूगल सर्च कर लो और तुम अगर उसमें देखो कि टॉलेस्ट डैम्स, तो उसमें तुमको 5-10 तो चाइना के दिख जाएंगे, बाकी सब इधर उधर के होंगे सब, ठीक है। तो फिलहाल इंडिया में बहुत सारी नदियाँ आती हैं हिमालय से, तो बढ़िया सा डैम बना हुआ है ना। तो ये कौन सी नदी पता है तुम लोग, पता है ना, ये हमको लगता है ब्यास नदी बना हुआ है, ठीक है, ब्यास नदी बना हुआ है, एक बार चेक करना है इसको गूगल पे। बाकी भाखड़ा नंगल डैम इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का है, बिल्कुल सही बात है। और कंस्ट्रक्शन देखो इसका स्टार्ट हुआ था 1948 में और कंप्लीट होता 63 में, हाँ 63 में नेहरू जी ने कई सारी बातें, अब हाँ 48 में ही तुरंत इन्होंने जब देश आज़ाद हुआ बनना शुरू हो गया ये, और 63 में जाके ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 740 फीट हाई है यहाँ पे, ये 740 फीट हाई है और हाई अबव द डीपेस्ट फाउंडेशन एज स्ट्रेट कॉन्क्रीट डैम बींग मोर देन 3 times, अरे बाप रे बाप, बताइए सर, 740 फीट हाई अबव द डीपेस्ट फाउंडेशन, ठीक है, मतलब 740 फीट ऊंचा है सर फाउंडेशन की, अगर आप फाउंडेशन से इसकी हाइट मेजर करना शुरू करें, ठीक है, और मोर देन मतलब 3 times ऑफ कुतुब मीनार, भाई बहुत ज़्यादा ऊंचा है इसका मतलब, और लेंथ एट टॉप 518, ठीक है, 1700 फीट, और बेस पे देखिए 625 फीट है, अरे बाप रे, और टॉप पे 30 है, समझ गए, ये समझ रहे हो कि नहीं, लेंथ एट टॉप मतलब ये जो लंबाई सर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सर आपकी 1700 फीट है, आधा किलोमीटर लगभग, आधा किलोमीटर, और जो बेस आप देख रहे हैं सर टॉप पे जो बेस है सर ये आपका 30 फीट का बेस है, लेकिन नीचे आपका डैम जो है बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो नीचे आप देख सकते हैं सर बेस आपका 190 मीटर्स का है, तो 190 नीचे है सर, 190 मीटर नीचे है, और ऊपर आपका छोटा हो जाएगा, ऊपर आपका जो विड्थ है वो आपका 30 ही फीट है ना, 9 मीटर, तो 10 मीटर और 190 मीटर ऐसा कह सकते हो, तो काफ़ी बड़ा डैम है, बढ़िया, हमने तुमको सोचा इनसाइट दें जरा कि आखिर भाखड़ा नंगल डैम, तो तुमको पता होना चाहिए कि इंडिया का एक बड़ा ही पॉपुलर सा डैम है जिसको हम लोग भाखड़ा नंगल डैम बोलते हैं, ये ग्रेविटी डैम है, तो इसका जो भी फोर्स वोर्स ये झेल पा रहा है ये सब अपने ग्रेविटी एक्शन के से झेल पा रहा है, ठीक है, अपनी ग्रेविटी मतलब अपने वेट के से झेल पा रहा है, ग्रेविटी एक्शन मतलब वेट के से, ठीक है सर। दूसरा क्या है मेरा, आर्च डैम, सर आर्च डैम का क्या सिस्टम है सर, देखिए ये आपका क्या डैम हम लेके आए हैं, देखिए बढ़िया सर, आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पे आपको एक आर्च नज़र आ रही है, अब होता क्या है ये जो वाटर है पीछे से लगाता है बहुत सारा फोर्स, ये देखो यहाँ देखो इसको देखो, वाटर पीछे बहुत सारा फोर्स लगाता है, तो आर्च एक्शन से होता क्या है भाई, क्योंकि ये पहले उसी डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, सारा का सारा फोर्स यहाँ पे आर्च एक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है एबटमेंट्स में, इधर साइड्स में, यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल एक्शन आ जाएंगे, यस और नो, यहाँ पे मेरी दो हॉरिजॉन्टल एक्शंस बढ़िया तरीके से आ जाएंगी सर, ठीक है सर, यहाँ पे आपकी दो हॉरिजॉन्टल एक्शंस आ जाएंगी, और आप कह सकते हैं कि जितना फोर्स आ रहा है वो एक तरह से सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, लेकिन हाँ एबटमेंट जो साइड में है बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ समझो यार, और क्या चीज़ समझनी है सर हमको, कि सर जो डैम्स बनाए जाते हैं वो खाड़ी में बनाए जाते हैं, रिवर वैलीज़ में, रिवर की जो वैलीज़ वगैरह रहती हैं उनमें सर अपना ये डैम वगैरह जल्दी बनाए जाते हैं, और इस तरीके से आप ब्लॉक करके पानी पीछे इंपाउंड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है सर, आर्च डैम इज़ अ सॉलिड डैम, ओके, मेड ऑफ द बेडरॉक ऑफ सराउंडिंग एरिया दैट इज कर्व्ड अपस्ट्रीम इन प्लान। अच्छा ये बात ज़रूरी है, जिस तरफ पानी होता है उसी तरफ हम इसको कर्व करते हैं, ठीक है, ये नहीं इस तरफ डाउनस्ट्रीम में नहीं कर्व करेंगे, पीछे की तरफ कर्व करेंगे, तभी तुम देख सकते हो पतला है। अब तुम एक बात बताओ सर, अगर मैंने आर्च एक्शन के थ्रू वेट को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, वेट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने आर्च एक्शन के थ्रू सारे जो पीछे से पानी आ रहा है उस पानी का मैंने फोर्स, पानी का मैंने फोर्स आर्च एक्शन के थ्रू साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, समझने की कोशिश करो, तो मेरा जो डैम है उसके वेट की ज़रूरत पड़ी नहीं सर, यहाँ पे आर्च एक्शन ने फोर्स को बाहर भेज दिया अपने आप, ठीक है, और वेट की ज़रूरत है नहीं सर, है ना, तो वेट की ज़रूरत पड़ी नहीं, इसका मतलब ये आर्च आपका पतला बन सकता है, ये पतले बनते हैं थोड़े से एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम की तुलना में सर इनका जो साइज़ वगैरह है वो काफ़ी कम रहता है, तो बढ़िया चीज़ है ये बढ़िया चीज़ है, और पतले पतले डैम बनते हैं इस तरह के, काफ़ी पतले से बनते हैं एज़ कम्पेयर टू, तो यहाँ पर हमको मटेरियल में सेविंग होती है, कॉन्क्रीट की काफ़ी बचत हो जाती है सर, ठीक है, आर्च डैम के केस में, तो समझ गए सर। अच्छा आर्च डैम इज़ डिज़ाइंड सो दैट द फोर्स ऑफ वाटर अगेंस्ट इट नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पीछे जो प्रेशर लगता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं सबको पता है, प्रेसिस अगेंस्ट द आर्च कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर एज इट पुशेस इट टू इट्स फाउंडेशन और एबटमेंट्स, ठीक है सही बात है, पीछे से जितना पानी लगेगा वो यहाँ पे आर्च को कंप्रेस करेगा, आर्च का सारा और आर्च से वो फोर्स हमारा फाउंडेशन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, बस इस तरह से तुम समझ सकते हो। देखो अभी बात समझो, मान लो यहाँ पानी नहीं होता, मान लो यहाँ कोई पानी नहीं होता पीछे से, तो यहाँ रिएक्शन जीरो होती, जितना पीछे से फोर्स लगता जाएगा उतना ही धीमे धीमे यहाँ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी, सारा लोड ट्रांसफर होकर यहाँ रिएक्शन आती जाएंगी बार बार, है ना, बढ़ता जाएगा, तो जितना उधर से पीछे फोर्स लाओगे सारा फोर्स आपका एबटमेंट आ जाएगा, लेकिन हाँ एबटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं,
और तुम देख सकते हो बल्कि ये जो डैम है ये पूरा जो है यहाँ पे मिट्टी के अंदर चला गया है, स्टोन्स के अंदर चला गया जनरली, ठीक है। तो मटेरियल बता रहे हैं सेम ही रखते हैं तो बढ़िया चीज़ है। आर्च डैम इज मोस्ट सुटेबल फॉर नैरो गॉर्जेस और कैनियंस विद स्टीप वॉल्स ऑफ स्टेबल रॉक टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेसेस। क्या बोल रहा है कि सर आपकी खाड़ी जितनी स्टीप होगी, सर जितनी स्टीप आपकी वैली, मान लीजिए आपकी वी शेप की वैली, यहाँ बीच में नदी है, ठीक है, बहुत वी शेप वैली है, तो सर आप नैरो गॉर्जेस हैं या कैनियंस हैं तो सर वहाँ पे आपका आर्च बढ़िया रहता है, ठीक है। लेकिन आपकी चौड़ी नदी है, जगह आपकी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे अपना ग्रेविटी डैम वगैरह बनाइए, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और सिंस दे आर थिनर, क्यों थिनर है सर? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे वेट की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जरूरत नहीं है। सिंस दे आर थिनर दैन एनी अदर डैम टाइप, दे रिक्वायर मच लेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसका मतलब इकोनॉमिकल हो गया है, ये तुमको हम बता रहे थे, ठीक है। और जहाँ पे रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे हम लोग कभी पहुँच नहीं सकते, ठीक है, रिमोट एरिया जहाँ पे मेटल की अवेलेबिलिटी कम है, जहाँ पे आपको सीमेंट वीमेंट मुश्किल से मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप उन सब एरियाज़ में, ठीक है, आप सर यहाँ पे आर्च डैम प्रेफर कर सकते हैं। तो बढ़िया, इसका एग्जाम्पल तुम देखो, तो पहला तो तुमको हम बताते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। अभी देखो ये हमारा एक इदुक्की डैम है, शायद क्या लिखा है, देखें इदुक्की डैम, हाँ ये इदुक्की है यहाँ पे, चलो हमको हम तो पहचान में आ रहा है, ठीक है, इदुक्की डैम यहाँ पे लिखा नहीं है नाम, ठीक है, हम लिख देते हैं इदुक्की डैम है, एक आई डबल डी है कि यू डबल के आई है ना, इदुक्की डबल के है शायद, देख लेना एक बार स्पेलिंग। तो इदुक्की डैम है, इट इज़ बिल्ट ऑन पेरियार रिवर इन द रेवाइन बिटवीन द कुरावन एंड कुराठी हिल्स इन केरला, केरला में मतलब मोटी मोटी बात, एट 167 मीटर्स इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट आर्च डैम्स इन एशिया एंड द थर्ड टॉलेस्ट आर्च डैम, थर्ड टॉलेस्ट आर्च डैम, सबसे हाइएस्ट सबसे टॉलेस्ट डैम पता है कौन सा है, बताते हैं तुमको अभी। टेक्निकली द डैम टाइप इज़ अ कॉन्क्रीट डबल कर्वेचर पैराबोलिक थिन आर्क डैम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर पता है क्या है, इसका मतलब सर ये है कि आपका आर्च इधर भी है, इस प्लान में भी है, और ऐसे भी प्लान नीचे, सर ऐसे भी आर्च हुआ है और ऐसे भी आर्च हुआ है, मतलब एक यहाँ तुम देख सकते हो एक तरह से एक पैराबोलिक कर्वेचर यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। जैसे एक पैराबोलिक कर्वेचर तुम समझ लो, जैसे टाटा स्काई की डिश होती है ना, उस तरह का एक स्ट्रक्चर, मतलब इधर भी कर्वेचर है, दोनों डायरेक्शन में कर्वेचर है, यहाँ पे 2D कर्वेचर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है 780 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को, जो कंस्ट्रक्ट हुआ था केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्वियसली ये सब जो काम रहते हैं जितने भी, ये सब स्टेट के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यूपी में भी एक अपना, हम तो यूपी में रहते हैं, यूपी में एक बना था टिहरी डैम, सबको पता होगा, उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था तो पहले दोनों एक ही थे, तो तब उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड यूपी था, एक ही था तब, एक ही था, तो टिहरी डैम बनना शुरू हुआ था 60s 70s की बात है, और 2003 में जाके कंप्लीट हुआ है वो, है ना। चलो फिलहाल ये तुम्हारा इदुक्की डैम यहाँ देख सकते हो, बढ़िया ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है वाटर यहाँ पे, बहुत ही कमाल का डैम है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, तो ये बना था इदुक्की डैम। उसके बाद हाँ हूवर डैम, बड़ा ही फेवरेट और कमाल का सबसे बेस्ट डैम है ये, बहुत पहले बना था, मैसिव कॉन्क्रीट आर्च ग्रेविटी डैम, ये आर्च भी है ग्रेविटी भी दोनों भी है, तुम देख सकते हो हूवर डैम हाइएस्ट है, हाई एक टाइम पे ये हाइएस्ट हुआ करता था वर्ल्ड में। तो कंस्ट्रक्टेड इन द ब्लैक कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर, हाँ कोलोराडो नदी पे है ये, 1931 ठीक है और 36 के बीच में बना था। सच अ लार्ज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हैड नेवर बीन बिल्ड बिफोर एंड सम ऑफ द टेक्निक्स वर अनप्रूवन, पहली बार बना था क्योंकि, और बहुत हाईएस्ट इसके नाम रिकॉर्ड रहा हमेशा से कि ये हाईएस्ट है, लेकिन अब टूट टूट गया होगा हमको 100% उम्मीद है, चाइना ने बहुत कुछ कर दिया इस समय, ठीक है। चाइना ने मतलब समझ लो इस समय डैम्स की दुनिया में बहुत आगे चले गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स तो मतलब वर्ल्ड में इतने हो ही नहीं सकते, मतलब चाइना अकेले इतनी बिजली बना रहा है कि 2-3 इंडिया चला दे, तुमको बताते हैं हम यहाँ पे, समझ लो बहुत बिजली बनाता है चाइना। चलो बटरेस डैम फिलहाल हमारा ग्रेविटी हो गया, आर्च हो गया। सर बटरेस में क्या सिस्टम है, सर बटरेस में देखिए क्या है कि हमको पता है कि होता क्या है ना सर, ये देखिए आपका डैम है, डैम के आगे देखिए हमने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे काउंटर वॉल्स लगा रखी हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटरेस बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना, एक एक्शन आपको मिल रहा है, मदद हो रही है आपका जो वाटर फोर्स आ रहा है उसको झेलने में, है ना। फ़ायदा ये हुआ सर देखिए, अगर आप जब ग्रेविटी डैम बना रहे थे, आप बना रहे थे ऐसा, तो अब सर अगर मान लीजिए आपने सिर्फ यहाँ से कट करके आगे का मटेरियल बचाना चाहते हैं, आगे का मटेरियल बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आगे मटेरियल बचाने के लिए आप क्या करिए, पूरा पूरा कॉन्क्रीट डाल दीजिए, बीच में ऐसे जगह छोड़ दीजिए, स्पेसेस छोड़ दीजिए, और यहाँ पे आप इस तरह के सैंडविचेस टाइप की वॉल बना दीजिए, जो जिसको हम बटरेस बोलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे रियल इमेज है, पीछे पानी आगे हमारा यहाँ पे एक तरह से काउंटर फोर्ट हमको मिल रहा है, बटरेस बोलते हैं इसको, ठीक है। पढ़िए सर थोड़ा सा, तो बटरेस डैम और हॉलो डैम इज़ बेसिकली अ डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटी डैम, ठीक है, ताकि हमको बीच में आगे स्पेस मिले और हमारा मटेरियल सेव हो सके। देखिए मटेरियल सेव करने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आर्च बना रहे हैं, कभी हम लोग यहाँ पे हॉलो स्पेस छोड़ दे रहे हैं, है ना, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट स्पेस। तो इस स्पेसिंग से फायदा ये हुआ कि हमारा यहाँ पे मटेरियल बचता है, ठीक है। तो विद अ बटरेस डैम द फेस ऑफ द डैम इज हेल्ड बाय अ सीरीज ऑफ सपोर्ट्स और बटरेसेस दैट आर प्लेस एट द इंटरवल ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। तुम ऐसा समझ सकते हो कि एक बीम है,
तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक बीम है सर यहाँ पे, है ना, ये बीम मान लो जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, एक सपोर्ट दिया, दूसरा सपोर्ट दिया, तीसरा सपोर्ट दिया, चौथा सपोर्ट दिया, तो हमारी जो बीम है ये कंटिन्यूस नेचर हो गई। तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बटरेस डैम आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो तुम बता सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस डैम है ये अपना, है ना, तुमने पढ़ रखा है ना कंटिन्यूस बीम स्ट्रक्चर, देखो पढ़ लेना, सोम स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा कंटिन्यूस हम किस कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो बटरेसेस वर्क टू कॉम्बैट द फोर्स ऑफ रिजर्वायर, ऑब्वियसली, ठीक है, वाटर जो पीछे से पुश करने की कोशिश कर रहा है, द फोर्सेज और लॉज ऑफ फिजिक्स वर्किंग अगेंस्ट अ बटरेस डैम आर एग्जैक्टली द सेम एज दोज दैट एक्ट ऑन ग्रेविटी डैम एक्सेप्ट द वर्टिकल लोड प्रेजेंटेड बाय द वाटर ऑन अ बटरेस डैम इज ग्रेटर, ठीक है, वर्टिकल लोड थोड़ा सा ज़्यादा रखता है पानी वाला, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और एडवांटेज ऑफ बटरेस डैम इज दैट इट टिपिकली रिक्वायर्स लेस कॉन्क्रीट टू कंस्ट्रक्ट, ऑब्वियसली सर, क्योंकि आपने यहाँ बीच में स्पेस छोड़ी, उनको पहले बता चुके हैं, और फॉर्मवर्क और रिइंफोर्समेंट भी यहाँ पे दिया जाता है स्टील, ठीक है, बटरेसेस, और इसलिए बटरेसेस को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जनरली जो आपके पैसे बचे होते हैं वो यहाँ रिइंफोर्समेंट के खर्चे हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट वगैरह डाला जाता है बेटा, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। अच्छा वैसे देखो रिइंफोर्समेंट में जनरली डैम में यूज़ नहीं करते कभी भी, डैम में लोग रिइंफोर्समेंट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं जनरल, लेकिन हाँ बटरेस में यूज़ करते हैं। तो अब रिइंफोर्समेंट खर्चा बढ़ गया, इधर आपने मटेरियल बचा लिया, तो कॉस्ट आपकी सर बैलेंस ही हो गई फिर, है ना, कॉस्ट आपकी सर बैलेंस हो गई। चलिए समझ में आई सर बात हमको, यहाँ पे बात समझ में आ रही बढ़िया, बटरेस डैम भी समझ गए, काफ़ी मटेरियल अपना सेव हुआ यहाँ पे, बढ़ जाओ जल्दी। लास्ट है हमारा एम्बैंकमेंट डैम, ये एग्जांपल इंडिया वाला अपना टिहरी डैम, ठीक है, ये अपना टिहरी डैम का एग्जांपल है। एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट देखो करना क्या है, कुछ नहीं है, मिट्टी से बनता है ये, है ना, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, दीज आर, और बहुत बड़े, अब सर आप देखिए कॉन्क्रीट जगह मिट्टी लेंगे तो मिट्टी तो और हल्की होती है, मिट्टी तो और जल्दी बह सकती है, तो आपको मिट्टी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली ये बहुत मैसिव होते हैं, बहुत बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी भी अदर डैम। तो सर हम यहाँ देख सकते हैं दीज आर मैसिव डैम्स, ये क्या हो गया, है ना, हाँ दीज आर मैसिव डैम्स मेड ऑफ अर्थ एंड रॉक, अर्थ मतलब मिट्टी एंड पत्थर, ठीक है, तो लाइक ग्रेविटी डैम एम्बैंकमेंट डैम्स रिलाय ऑन देयर हैवी वेट टू रेजिस्ट द फोर्स ऑफ वाटर, लेकिन सर ये जो इनका वेट है ना ये मिट्टी से आ रहा है सर, मिट्टी आप देखिए सर, मिट्टी कर दी गई एकदम, ठीक है, और मिट्टी को बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्ले से रोका गया है, क्ले लगाई जाती है ऊपर, तुम देख सकते हो देखो इस तरीके को। अच्छा बीच में देखो बाहर सिल्ट है लेकिन अंदर की तरफ क्ले होता है, ठीक है, अंदर की तरफ क्ले होता है, क्यों, क्योंकि सर पता है आपको ये पानी इस मिट्टी के बीच में जाएगा लेकिन क्ले की परमिबिलिटी बहुत कम होती है सर, तो क्ले की परमिबिलिटी जब बहुत कम होगी तो पानी अंदर जाएगा लेकिन क्ले के थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगा, तो पानी अंदर रिस के आगे नहीं जाएगा, है ना, पूरी डैम की बॉडी से ही पानी फ्लो करता है धीमे धीमे, समझ रहे हो, पूरी डैम की बॉडी से ही पानी फ्लो करता है, समझ रहे हो यहाँ पे, तो ये स्कीम देखने को मिलती है। लेकिन एम्बैंकमेंट डैम्स जो होते हैं वो बहुत ही डेंस होते हैं और उनको उनका जो कोर है वो वाटरप्रूफ बनाया जाता है, वाटर कोर मतलब ये बीच का पार्ट, कोर मतलब बीच कैसा, वाटरप्रूफ इसे बनाया जाता है ताकि पानी यहाँ से सीव करके इस एंड से दूसरे एंड तक ना जाए जिससे डैम को नुकसान होगा, ठीक है, तो वाटरप्रूफ कोर क्यों बनाया जा रहा है सर, उसका सेंटर इतना वाटरप्रूफ क्यों है, क्योंकि सर वो प्रिवेंट करता है वाटर फ्रॉम सीपिंग थ्रू द स्ट्रक्चर, ठीक है, यही तुमको बता रहे हैं सर, वरना हमारे डैम से पूरा पानी पास होगा अगर पूरा सिल्ट या सैंड का बन जाता तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। चलिए सर तो एक बात और सुनो, यहाँ सेंटर में सिर्फ क्ले नहीं लेते हैं, कौन सी मिट्टी है जो बिल्कुल ही हमारी इम्परमेबल है ऑलमोस्ट, सर वो है हमारी क्ले, क्ले हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो नहीं बात हमारा सर, बिल्कुल समझ पा रहे हो, तो हमारी जो क्ले है ना सर ये हमारी क्ले नहीं लेते हैं सर, सिर्फ क्ले लेंगे तो क्ले के सर साथ एक बड़ी समस्या क्या है सर, क्ले बहुत फूलती है सर, उसका स्वेलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे क्ले के साथ सिल्ट भी लेते हैं, क्ले के साथ सिल्ट भी लेते हैं और क्ले और सिल्ट दोनों यूज़ करके बढ़िया सर अपना डैम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है इसकी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है और फिर अपना पानी आराम से रुक जाता है, ठीक है। और एम्बैंकमेंट डैम जनरली तुम्हारे जो बनते हैं वो मेनली तुम्हारे अर्थ फिल मिट्टी के होते हैं या रॉक फिल होते हैं, अर्थ फिल रॉक फिल का मतलब क्या है, या तो मिट्टी पूरी भर दी गई हो या तो पत्थर पूरे भर दिए गए हो, ठीक है, तुम यहाँ देख सकते हो अर्थ फिल एंड रॉक फिल में फ़र्क क्या है, यहाँ देखो तुमको फर्क समझा देते हैं अर्थ फिल और रॉक फिल के अंदर, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुमको पत्थर दिखाई दे रहा है, रॉक्स दिख रहे हैं कि नहीं बीच में, देखो दिख रहे हैं कि नहीं रॉक्स यहाँ पे, और इधर देखो यहाँ पे कहीं कोई रॉक वॉक कुछ नहीं है, है ना, यहाँ मिट्टी भरी हुई है, ठीक है, और समझ सकते हो। अच्छा हाँ सर देखिए एक बात और, यहाँ पे देखिए अगर डैम को बहुत ध्यान से देखें तो क्या देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं सर, कि जो आपका डैम है ना सर, थोड़ा समझने की कोशिश करिए ध्यान से, डैम है उसमें जो बाहर का सिस्टम है पूरा वो आपका थोड़ा कोर्स है, वो मटेरियल आपका कैसा है कोर्स, ये वाला और इधर वाला, ठीक है, लेकिन जो बीच का मटेरियल आप देख रहे हैं पूरा कोर जो है आपका, ये जो पूरा आपका कोर है, ठीक है, ये जो आप कोर देख रहे हैं सर, तो ये कोर आपका फाइनर मटेरियल है, ठीक है,
फाइन इसलिए कि अभी बता चुके सेल टॉर्क लेकर बनता है 50,000 बताएं, अब क्या बताने फ़ायदा, ठीक है। तो ये आपका अर्थ फील हो गया, बीच में नीचे कट ऑफ दी होती है, कट ऑफ का काम पता है क्या होता है, पानी ऐसे नीचे से सीप करके जा रहा होता तो यहाँ रुक जाता है थोड़ा सा, आगे नहीं करता, नहीं तो अगर पानी यहाँ से सीप करके आगे चला गया बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही जो हमने तुमको ब्लिक्स थ्योरी में पढ़ा रखा था, वही सब सारे सीपेज और पाइपिंग फेलियर की प्रॉब्लम्स यहाँ पे जनरेट होती हैं, ठीक है। तो ठीक है सर, तो अर्थ फिल, अच्छा मतलब कुल मिला के सर आपके जो एम्बैंकमेंट डैम है दो टाइप के होते हैं आपने बताया, एक होता है अर्थ फिल, ठीक है, और एक होता है रॉक फिल। तो अर्थ फिल को हम लोग अर्थ डैम भी बोलते हैं या एम्बैंकमेंट डैम भी बोलते हैं। डैम बिल्ट अप बाय कॉम्पैक्टिव सक्सेसिव लेयर्स ऑफ अर्थ, मिट्टी को लोग कॉम्पैक्ट करते जाओ बार बार लेयर बाय लेयर, ठीक है, और इसलिए कर रहे हैं बार बार कॉम्पैक्ट ताकि उसमें से पानी पास ज़्यादा ना हो, ठीक है। मोस्ट इम्परवियस मटेरियल्स को हम लोग यूज़ करेंगे टू फॉर्म अ कोर एंड प्लेसिंग मोर परमियबल सब्सटेंसेस ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड्स, ठीक है। जिनकी परमियबिलिटी ज़्यादा उनको बाहर रखेंगे, लेकिन जिनकी परमियबिलिटी बहुत कम है उनको हम यहाँ पे अंदर की तरफ रखने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। सॉइल में कॉम्पैक्शन चैप्टर जो होता है तुमने शायद पढ़ रखा हो, तो तुमको पता होगा मिट्टी जो यहाँ पे रहती है उसको OMC के वेट साइड में कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, OMC के वेट साइड में, ताकि डायमेंशनल चेंजेस ज़्यादा ना हो, वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा ना हो मतलब, ठीक है। अच्छा देखो अभी सॉइल वाली हम लोग नहीं पढ़नी है, अभी हम यहाँ पे इस पर फोकस कर रहे हैं। अ फेसिंग ऑफ क्रस्ट स्टोन प्रिवेंट क्रस्ट स्टोन प्रिवेंट्स इरोजन बाय विंड और रेन एंड एन एम्पल स्पिलवे यूजली ऑफ कॉन्क्रीट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफिक वॉश आउट शुड द, ठीक है, वॉश आउट शुड द वाटर ओवर टॉप द डैम। हाँ मतलब स्पिलवे देना जरूरी है ताकि मिट्टी पूरी बहना जाए, अगर पूरा मान लो डैम टॉप तक भर गया, ओवर टॉपिंग अगर सर यहाँ हो गई पानी ऊपर तक भर गया तो सर आपकी पूरी मिट्टी बह जाएगी, पूरी पूरी मिट्टी बह सकती है, इसलिए स्पिलवे वगैरह सही से दीजिए ताकि स्पिलवे से पानी आपका बाहर हो जाए, है ना। तो ये है टीरी डैम, यही है बेटा टीरी डैम, मिट्टी का बना हुआ पूरा। और रॉकफिल की अगर हम बात करें तो रॉकफिल में सर आप देख सकते हैं रॉकफिल डैम्स आर एम्बैंकमेंट्स ऑफ कॉम्पैक्टेड फ्री ड्रेनिंग ग्रैनुलर अर्थ विद एन इम्परवियस जोन, ठीक है। ग्रैनुलर अर्थ का मतलब समझते हो, उसमें सर रॉक्स हैं। द अर्थ यूटिलाइज ऑफन कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, हैंस द टर्म रॉक फिल, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स भी जरूर हैं इस चीज़ को रॉक फिल बोलते हैं। इम्परवियस जोन में भी ऑन द अपस्ट्रीम फेस एंड मेड ऑफ मेसनरी कॉन्क्रीट प्लास्टिक मेम्ब्रेन स्टील शीट पाइल्स टिम्बर और अदर मटेरियल, मतलब सर ये आपका रॉक फिल में आपका जो अपस्ट्रीम है वो एकदम इम्परवियस होना चाहिए इन इन मटेरियल्स का यूज़ करके, ताकि पानी अंदर एंट्री ना मारे सर, है ना, पानी अंदर एंट्री ना मारे। तो रॉक फिल में सर आप इम्परवियस कोर देते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर आप अंदर जो इम्परवियस अपस्ट्रीम दे देते हैं, यहाँ पे सर आप कोर को इम्परवियस कर देते हैं, कोर को, तो यहाँ कोर और यहाँ पे अपस्ट्रीम फेस को हम लोग यहाँ पे इम्परवियस कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं तुमको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। पावर जनरेशन के बारे में तुमको पता ही है सर, देखिए इस तरीके का डैम हमारा होता है, पीछे रिजर्वायर होता है, ये इनटेक होता है, इनटेक से सर पानी यहाँ पे पेन स्टॉक के थ्रू आगे जाता है, बहुत ज़ोर से सर ये पानी जब दौड़ते हुए जाता है ना सर, थोड़ा लंबा डिस्टेंस होता है, ये जो टर्बाइन लगी होती है सर बहुत ज़ोर ज़ोर का घूमती है सर, टर्बाइन लगी होती है सर बहुत ज़ोर ज़ोर घूमती है, तुमने सुना होगा फ्रांसिस टर्बाइन, पढ़ना तुम हाइड्रोलिक पावर जनरेशन, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ना तो समझ में आएगा तुमको, है ना। देखो बहुत कमाल की मैं यहाँ पे लेके आए, तो पेनासॉक से पानी जाएगा यहाँ पे घूमेगा और तुम देख सकते हो वो पानी वापस से जितना पानी दौड़ के आता है इधर से निकल के वो सारा पानी नीचे एक्जली जाता है और रिवर में बह जाता है वापस से, है ना। लेकिन सर होता क्या, टर्बाइन जब बहुत ज़ोर से घूमती हैं तो जनरेटर के साथ जुड़ी होती हैं, जनरेटर से पावर बनती है, ठीक है, और वो पावर सर हमारी लाइन्स के थ्रू, पावर लाइन्स के थ्रू चली जाती है आगे, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था पावर हाउस का, इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है इस तरह से जनरेट होती है। अभी भी फिलहाल अपने देश में जो है बिजली बहुत ज़्यादा कोयले से अब भी बनती है, मतलब थर्मली हम लोग बिजली बनाते हैं, है ना, कोयले को जला के भाप बनाते हैं, भाप से अपने टर्बाइन घुमाते हैं, ये पानी से टर्बाइन घूम रहा है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में NTPC जानते ही होंगे तुम लोग, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो वहाँ पे कोयले को जला के, तुमने जानते हो ना स्टीम इंजन, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था, वही कॉन्सेप्ट चलता है। तो स्टीम के अंदर पावर होती है, कोयले से सर पानी को गर्म करो, बिजली ओ स्टीम बनाओ, स्टीम सर टर्बाइन घुमाएगी और टर्बाइन घूमेगी तो बिजली पैदा होगी सर, है ना। ये हाइड्रोलिक टर्बाइन तुमने देख रखी होगी। चलिए ठीक है सर, पावर जनरेशन समझ गए। अच्छा आज तक की दुनिया की अगर हम इस समय की बात करें, लेटेस्ट ज़माने की बात करें, तो अभी तुम जानते हो कि चाइना का एक बड़ा ही कमाल का डैम था जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम चाइना का। इसने सर पता है आपको इतना बड़ा मतलब सिस्टम बना दिया है, इतना बहुत ह्यूज डैम है, मतलब इतना बड़ा डैम ही बनाया गया है, इसमें इतना कॉन्क्रीट लगा है कि मतलब समझ लो अर्थ का रोटेशन तक स्लो हो गया है इस चक्कर में, ठीक है। तुमको ये तो पता होगा शायद कि जब हम लोग का अर्थ होता है तो अर्थ में तुम जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाओगे अर्थ का रेडियस एक तरह से बड़ा हो रहा होगा, अर्थ का रेडियस अगर बड़ा होगा तो उसका तुमको पता है उस हम लोग कंजर्वेशन ऑफ पढ़ा है तुमने एंगुलर मोमेंटम, तो अगर अब सारा मटेरियल बाहर निकाल के फोकस कर बाहर करते जाएं और रेडियस बढ़ा दें अर्थ का तो ऑब्वियसली सर उसका रोटेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है।
जितनी छोटी अर्थ उसका रोटेशन फास्ट, जितनी बड़ी अर्थ उसका रोटेशन स्लो, क्योंकि हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना होता है। चलो उतना कहानी नहीं जाननी हमको फिलहाल, बात यहाँ पे सर इतनी हो रही है कि सर आप जब ये डैम बना है तो इस डैम के सर कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि बहुत ही ज़्यादा इसने अर्थ को भी इम्पैक्ट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है सर ये 22,500 मेगावाट, इतना बड़ा तो हम तुमको क्या बताएं, इंडिया के तुम सारे अगर तुम डैम को जोड़ दो तब भी 22,500 ना हो पाए, सारे डैम को जोड़ दो, इतना बड़ा डैम है ये, समझ रहे हो। तुमको हम बताते हैं थोड़ा सा, दो चार हमको पता है तो तुमको बता देते हैं। जो टिहरी डॉर देखो अपने ऊपर के तो दो डैम है बहुत तगड़े हैं, एक उत्तराखंड में टिहरी है, उत्तराखंड हिमाचल एक्चुअली पहाड़ी इलाका है तुमको पता भी होगा, उत्तराखंड सीधे चीन से जुड़ा हुआ है पता है तुमको, हिमाचल हिमाचल और उत्तराखंड में दो बहुत बड़े डैम है, एक तो टिहरी उत्तराखंड में है और भाखड़ा नंगल डैम जो है तुम्हारा है वो किस में है, इधर हिमाचल में है ना, ये हिमाचल में यूपी उत्तराखंड बोलो, यूपी पहले था तो उत्तराखंड में है। अब सर ये जो आपके दो डैम है ना सर, ये हमको पता है क्योंकि हमने यहाँ पे विजिट किए हैं, विजिट हम यहाँ भी किए लेकिन अंदर समझ नहीं पाए थे, मतलब बाहर बाहर से निकले बस, यहाँ तो हम गए हुए। तो इसमें देखो 2000 मेगावाट का ये है टिहरी, और डाउन स्ट्रीम में भी मतलब चार टर्बाइन लगी हैं 500-500 की, 500-500 मेगावाट की चार टर्बाइन लगी हुई है, तो 2000 मेगावाट का प्लांट है और 400 का एक डाउन स्ट्रीम में छोटा सा बना हुआ है, ठीक है, तो 2400 का है टोटल, मतलब कह सकते हो तो 2400 का है ये सर 22,500 का अकेले ही है। इंडिया का तुम टिहरी मिलाओ, भाखड़ा नंगल मिलाओ, है ना, महानदी भी बना हुआ है एक, तो बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं इंडिया में भी, तुम सबको मिला दो तब भी हमें लगता है शायद कि 22,500 ना हो पाए। तो चाइना ने भैया अकेले ही यहाँ पे 3 गॉर्जेस डैम बना के एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है, तो इट इज़ द कह सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर स्टेशन, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर स्टेशन, ठीक है, बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसमें 22,500, बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ एकदम, ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है ये शायद उस पर, उस कौन सी नदी पे है यार, जैंग हो यांग हो पता नहीं कौन सी नदी है, नाम ही थोड़ा इन लोगों का इतना अजीब होता है कि दो चार बार सुन भी चुके हैं तब भी नाम याद नहीं होती है ना, यांगसी नदी, हाँ यांगसी कोई नदी है, YANGTZE इस तरह से शायद, एक बार चेक कर लेना अपने हिसाब से, फिलहाल ये सब नहीं जाना तुमको। एक तो हमारा ब्राज़ील है, पराग में है, ये भी बहुत बड़ा डैम है। तो इताइपू इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दैट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी इन द वर्ल्ड सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है, और बाप रे बाप ये तो जरा आंखें खुल गई, कितना भैया है तो 1030983 मेगावाट आर, अच्छा मतलब है कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा ये, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार। अच्छा हेड सरपास द 3 गॉर्जेस डैम प्लांट इन 2016 एंड 2015, चलो ठीक है, ये तो हमको ध्यान नहीं दिया हमने इस पर, ये तो बहुत ज़्यादा है यार, 22,500 कहाँ और कहाँ, इसके तो गिनना ही नहीं आ पा रहा है, 9 डिजिट लगी इसमें तो यार, 9 डिजिट में तो हालत ख़राब हो जाएगी यार, अब पहुँच गए तो बाप रे बाप, 10 के ऑर्बिट मतलब 100 करोड़ के आसपास लिखा हुआ है ये, एक बार चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा हो रहा है कुछ, इतने तो पूरी दुनिया चल जाए आराम से, ठीक है, बाप रे बाप, ये इताइपू डैम बन रहा है मतलब, है ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया चीज़ निकल के आई है आज, यहाँ हमने इतना ध्यान कभी दिया नहीं था इस पर हम तो इन्हीं को हीरो समझ रहे थे, चलो बढ़िया चीज़ देखने को मिली हम लोग को, मतलब हम लोगों ने इसमें समझा कि अभी मतलब वर्ल्ड में बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं हाइड्रो पावर को लेके, जो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। डैम का साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, डैम कैसे बनाते हैं, क्या क्या सोच रखना पड़ता है हम लोग को डैम बनाते समय कि किस साइट पर डैम बनाया जाए, इसके लिए कई सारी बातों का ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है, क्या है वो बातें जरा बात करते हैं हम लोग उनके ऊपर, ठीक है सर। सबसे पहले तो देखिए आपको देखना है कि पैसा बचे, पैसा बचने वाली बात है सर यहाँ पे सबसे पहली, तो देखिए फॉर देखिए सूटेबल फाउंडेशन होनी चाहिए सर, फाउंडेशन के लिए जगह अवेलेबल होनी चाहिए सर, है ना, सूटेबल फाउंडेशन अपनी अवेलेबल रहनी चाहिए सर, ताकि आप डैम को मजबूती दे सकें और बाद में कभी दिक्कत ना आए, ठीक है, गिरे विरे नहीं, तो इसलिए ठीक है उसकी फाउंडेशन सूटेबली बन पाए, इसलिए आप उतनी जगह वहाँ पे देते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है फॉर इकोनॉमी द लेंथ ऑफ डैम शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड फॉर अ गिवन हाइट इट शुड स्टोर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, अच्छा मतलब सर डैम की लेंथ को आप कम करिए, हाइट को ज़्यादा बढ़ाइए एक तरह से, है ना, मतलब फॉर अ गिवन हाइट आपकी लेंथ कम से कम होनी चाहिए ताकि सर आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम वाटर की स्टोर हो सके, ठीक है, ये प्रूफ हम कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, आगे तुमको बता देंगे। तो सर फॉर अ गिवन हाइट आपकी लेंथ अगर कम होगी तो बढ़िया रहेगा। जनरल बेड लेवल एट डैम साइट शुड प्रेफरेबली बी हायर देन दैट ऑफ रिवर बेसिन, ये तो ऑब्वियस ही बात है, रिवर बेसिन की जो बेड लेवल है वो नीचे रहना चाहिए और डैम साइड जो रहनी चाहिए थोड़ा सा जनरली उसको हायर रहना चाहिए प्रेफरेबली, है ना, इससे क्या होगा सर आपकी डैम की हाइट जो होगी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है,
हाइट जो है रिड्यूस हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं, सूटेबल साइट फॉर स्पिलवे शुड बी अवेलेबल इन द नियरर वेसिनिटी, मतलब आजू बाजू में सर स्पिलवे की जगह रहनी चाहिए। सर देखिए, स्पिलवे भी कई टाइप के होते हैं। स्पिलवे का मतलब होता है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम रिमूव कर सकें, जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम रिमूव कर सकें डैम में जो भी आ रहा है। तो स्पिलवे की जगह आसपास होनी चाहिए, नहीं तो डैम के ऊपर से भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि डैम का क्या टाइप है। स्पिलवेज की भी कैसे स्पिलवे कैसे दिए जाते हैं वो सब बात भी हम लोग करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो सूटेबल साइट फॉर स्पिलवे शुड बी अवेलेबल इन द नियर वेसिनिटी। उसके बाद मटेरियल्स जो चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए वो आसपास होने चाहिए, शुड बी ईजिली अवेलेबल आइदर लोकली और आसपास इन द नियर वेसिनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, सबमर्ज्ड बाय द प्रपोज डैम शुड बी एज लो एज पॉसिबल। इसका पता क्या मतलब है यार, जैसे 2003 में जब टिहरी बना था, तो तुमको पता है कि जब डैम बनता है तो उसके पीछे का बहुत सारा इलाका डूब जाता है, उसको डूब एरिया बोलते हैं वहाँ टिहरी में। तो अब क्या है यार, वहाँ पे बहुत सारे गांव थे छोटे मोटे, वहाँ लोग भी रह रहे थे। तो अब क्या होगा बताओ, अब जब बहुत सारा एरिया पूरा डूब जाता है तो उनको शिफ्ट करना पड़ता है, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ज़मीन डूबती है बहुत सारी, तो उनको शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो इन सब में सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा खर्च होता है, ठीक है, बहुत लफड़े होते हैं इसमें, ठीक है, केस वेस चलता है, कुछ लोग तो इतना प्रोटेस्ट करते हैं कि ना बने डैम वैम, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे लोग थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जितना भी हमारा, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट उसका बड़ा है। इसलिए जो है सरकार पूरी कोशिश करती है कि हर एक आदमी जो है यहाँ पे रिहेबिलिटेड आराम से कर दिया जाए, ताकि हम लोग को बेटर बेनिफिट मिल सके इन द लॉन्ग रन, है ना। तो बहुत सारा खर्चा होता है इसमें। बाकी डैम साइट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, ठीक है, सो दैट इट कैन बी इकोनॉमिकली कनेक्टेड टू अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है। उसके बाद साइट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग लेबर कॉलोनीज एंड हेल्दी इन्वायरमेंट शुड बी अवेलेबल नियर द साइट, है ना। ऑब्वियसली जो वहाँ पे बहुत सारा काम वाम होगा, तो जो लोग काम करने वाले हैं वहाँ पे, लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो उनके लिए सही से सारी व्यवस्था हो जाए ऐसी जगह सर आपको चूज़ करने, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है, फिर जाके डैम की साइट सेलेक्ट यहाँ पे की जाती है, ठीक है। चलिए सर, बाकी डैम के एडवांटेज क्या है सर। एडवांटेज सर यहाँ पे ये हैं कि क्लीन, एफिशिएंट एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ एनर्जी हमको मिल रही है, कोई भी सर यहाँ पे डायरेक्ट पॉल्यूटेंट्स या ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं सर, बहुत ही कमाल की चीज़ है सर। आप अगर कोयले को जला के बिजली पैदा कर रहे थे जैसा कि आपने बताया था, तो आपको कोयला जलाएंगे सर आपको CO2 मिलेगी सर, बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा सर, कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। इनिशियल कॉस्ट हम मान रहे हैं भले ही हाई है सर, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन सर उनको ऑपरेट करना एकदम इनएक्सपेंसिव है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझिए उनकी ऑपरेशन कॉस्ट बिल्कुल करनी है। शुरुआत में पैसा बहुत सारा लगेगा, लेकिन बाद में सर आप ये समझिए एकदम मुफ्त की बिजली आपको मिलती रहनी है हमेशा, मतलब सरकार को, वो अलग बात है हम लोग से पैसा बराबर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इज चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, चीपेस्ट है ये, है ना। जैसे कोयले को जलाते हैं तो बार बार कोयला लाना पड़ता है, कोयले को निकालो खदान से, है ना, बहुत सारे काम पड़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं, पानी तो अपने आप फ्लो हो रहा है, पानी कौन थोड़ी फ्लो कर रहा है, पानी तो पीछे से आता ही रहेगा हमेशा, तो बढ़िया चीज़ है। डैम जो है सर बाढ़ को बचाते हैं, ये तो तुमको बता ही चुके हैं। स्टोर वाटर करते हैं फॉर इरीगेशन इन समर सीजन, अब तुमको बता चुके हैं, जब सूखा पड़ता है तो नदी में पानी हो जाता है बहुत कम, तो अब क्या है, अब डैम के पीछे आपने मानसून सीजन में खूब सारा पानी स्टोर करके रखा था, भाई भारत देश में तो बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है, भारत देश में मानसून हुई, खूब सारा पानी स्टोर करके रखा, समर सीजन में काम आ जाएगा, तुमको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो मैनी डेजर्ट एरियाज जो हैं वो अब फार्मिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमने डैम्स और कैनाल्स बना रखे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। डैम से खूब सारा कैनाल निकालो, जैसे राजस्थान में अपना, तो हिमाचल प्रदेश से जो भाखड़ानगर डैम है यहाँ से पानी राजस्थान भी जाता है, ठीक है। इंदिरा कैनाल है, बहुत बड़ी कैनाल है, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल, तुम एक बार चेक करना, बहुत बड़ी कैनाल है वो, राजस्थान में पानी पहुँचाती हिमाचल से, ठीक है। और डैम सप्लाई वाटर फॉर लोकल ड्रिंकिंग नीड्स, ऑब्वियसली बात है, अलाउज फॉर फिश फार्मिंग, तो मतलब ये सब सारे फायदे हैं डैम के, तुमको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए सर समझ गए, और अब चलो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, एंड करते हैं आज, ठीक है, बहुत कहानी वहानी हो गई है, और फिर हम लोग यहाँ पे डैम की, चलो डैम की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, बाकी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, देखो डैम बॉडी के थोड़ा सा सिस्टम समझ लेते हैं। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द डैम, क्रेस्ट का मतलब होता है हमारा डैम का टॉप, ठीक है, टॉप ऑफ द डैम को हम लोग यहाँ क्रेस्ट बोलते हैं। दीज मे इन सम केसेज बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ रोडवे और वॉकवे ओवर द डैम, सही बात है, यहाँ पे ऊपर दिया जाता है चलने फिरने के लिए। पैरापेट वॉल होती है, लो प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑन आइदर साइड ऑफ रोडवे और वॉकवे ऑन द क्रेस्ट, सबसे ऊपर क्या होता है, रोड बनी होती है डैम में और दोनों तरफ पैरापेट वॉल दी होती है, तुम कभी घूमने जाओ तुम देख पाओगे उसको, है ना। उसके बाद हील होता है, पोर्शन ऑफ डैम इन कॉन्टेक्ट द ग्राउंड ऑफ रिवर बेड अपस्ट्रीम, ये देखो इसमें ये हील है, इधर का हील और ये तुम्हारा टो, देखो ये जूते जैसा लग भी रहा होगा, मतलब पैर जैसा लग भी रहा है, इधर तुम्हारे टो है और इधर तुम्हारा फीट, मतलब हील है ना, तो हील और टो है, देख सकते हो यहाँ पे। और ये तुम्हारा मैक्सिमम वाटर लेवल है, इससे ज़्यादा पानी नहीं आ सकता क्योंकि इसके ऊपर अगर पानी जाएगा तो स्पिलवे से ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा, है ना।
स्पिलवे डैम के अंदर यहाँ देखो दिया गया है एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए स्पिलवे दिया गया है। ये तुम्हारा मैक्सिमम वाटर लेवल है और ये तुम्हारा नॉर्मल वाटर लेवल है। जनरली हमारा डैम ने इतने पानी बनाए लेकिन जब कभी बाढ़ वगैरह आती है तो बाढ़ के समय जब सर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी स्टोर करते हैं। बाढ़ के समय सर हम लोग स्पिलवे को बंद कर दोगे तो और एक्स्ट्रा पानी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सर। तो अच्छा, ये जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। फ्री बोर्ड ऊपर की खाली जगह जो छोड़ी जाती है, समझ पा रहे होगे। बाकी ये स्लूसवे है। ठीक है, ये सब कुछ हमारे बेसिक फीचर्स हैं जो हम देख पा रहे हैं। क्रेस्ट हो गया हमारा टॉप का, इसमें रोड होती है ऊपर और यहाँ पे दो पैरापेट वॉल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, समझ गए। तो सर हम समझ गए, टो हम समझ गए, हील समझ गए, स्पिलवे हम समझ गए। एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया जिससे हम लोग नियर द टॉप ऑफ द डैम ताकि सरप्लस एक्सेसिव वाटर हम लोग डैम से रिमूव कर सकें। अबेटमेंट्स का मतलब द वैली स्लोप्स ऑन आदर साइड ऑफ द डैम ऑफ द ऑल टू विच लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ डैम आर फिक्स टू। इसका क्या मतलब, डैम जो उतना होता है, डैम जब बनता है तो इस तरफ और इस तरफ उसको जोड़ा जाता है, फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे एबटमेंट्स कहलाते हैं, एबटमेंट्स। ठीक है, आर्च सेक्शन में एबटमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि फोर्स सारा वहीं ट्रांसफर होता है, ये हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, बाकी गैलरी होती है, टनल लाइक पैसेज होता है अंदर। ठीक है, बाकी स्लूसवे है। ओपनिंग द डैम नियर द बेस प्रोवाइडेड टू क्लियर द सिल्ट एक्युमुलेशन इन द रिजर्वायर। अब देखो होता क्या है, नीचे बहुत सारी मिट्टी बैठ जाती है। नीचे क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी जमा होती रहती है, तो देखो सिल्ट तो आती रहती है। अब मान लो ये जो सिल्ट आ रही है तो सिल्ट इसके ऊपर अगर जाएगी तो हम यहाँ स्लूस खोल के सिल्ट को निकाल देंगे। मतलब सर ये आपका डेड स्टोरेज बन जाता है, यहाँ से नीचे इसका डेड स्टोरेज होता है। डेड स्टोरेज मतलब यहाँ पे सिल्ट भरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सिल्ट भरी हुई है। ठीक है सर, तो देखो लिखा भी हुआ है डेड स्टोरेज लेवल का मतलब क्या हुआ, लेवल ऑफ परमानेंट स्टोरेज बिलो विच द वाटर विल नॉट बी विड्रॉन। ठीक है, उसके नीचे का जो पानी है वो कभी विड्रॉ नहीं हो सकता, वो डेड स्टोरेज है। वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि सिल्ट ही सिल्ट भरी रहे और उसके ऊपर पानी रहे, हम लोग पानी को यूज़ कर सकें। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगर सिल्ट आने की कोशिश करते हो तो सिल्ट को निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, गेट खोल के डाइवर्जन टनल टनल बनाई जाती है अंदर ताकि वाटर को बाईपास कर सके हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट से। ठीक है, ये चलो अलग बात है। देखो तुमको पता है डैम बनता कैसे है, बहुत लोग सोच रहे होंगे डैम बनता कैसे है, बताओ डैम कैसे बनता है। जैसे मान लो वहाँ एक मेन नदी जा रही होती है, यहाँ पे मान लो तुम्हारी मेन नदी जा रही है अपनी। ठीक है, इस नदी में सर हम लोग इस जगह, हम लोग को मान लो डैम बनाना है सर, इस जगह कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस पानी को तुरंत आगे ले जाके मोड़ देते हैं, यहाँ पे एक छोटी टनल बना देते हैं। ठीक है, टनल बनती है जिससे पानी आके आपका डाइवर्ट। अब सर आप यहाँ पे एक दीवार बनाते हैं, आप यहाँ पे एक दीवार बनाते हैं और नदी के पानी को इस रास्ते से मोड़ देते हैं। अब नदी आपकी जो जैसे जा रही थी अब ऐसे जाने लगेगी, नदी का रास्ता हमने मोड़ दिया सर, नदी का रास्ता मोड़ा और यहाँ पे हमने पत्थरों से एक बड़ा बड़ा डैम बना दिया। ठीक है, इसको हम लोग कॉफर डैम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कॉफर डैम। बीच में नदी सूख जाएगी कुछ टाइम बाद सर, पानी क्योंकि अब सर आपका ऐसे जा रहा है, नदी पानी इधर से आ रहा था, रास्ता ही आपने चेंज कर दिया और बीच में क्योंकि जगह खाली हो गई तो यहाँ पे सारे इंजीनियर लोग जेसीबी लेकर कूद जाएंगे। जेसीबी मशीन जानते ही हो गए, मतलब बहुत सारी खुदाई उदाई करनी पड़ती है, फिर फाउंडेशन तैयार करो। ठीक है, लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी है, कॉफर डैम बहुत मजबूत बनना चाहिए। कॉफर डैम अगर टूटा ना, पूरा साइट पर तबाही मच जाएगी अंदर। ठीक है, वहाँ पूरी तबाही मच जाती, बहुत मतलब कई कई हमने डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी, उसमें ऐसा था कि कॉफर डैम से पानी लीक होने लगता है, रॉक्स हैं कॉफर डैम से पानी लीक होने लगता है, बहुत दिक्कत आती है, तो अंदर वहाँ पर डैम वैम बन जाता है पूरा। ठीक है, तो वही डायवर्जन टनल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलो फिर हम लोग अब यहाँ पर बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे बढ़िया से और यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप सबको डैम के बारे में बहुत कुछ बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ में आया होगा और बहुत ही बढ़िया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल हम लोग डैम को अच्छे से देख रहे होंगे और उसको निपटा रहे होंगे। ठीक है, डैम एंड स्पिलवेज को काफ़ी बढ़िया हमने डिटेल्स उनको दी हैं ताकि तुमको खूब इंटरेस्ट बने और काफ़ी मन लगा के यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश की है ताकि तुमको सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ जाएँ। ठीक है, तो आज मेनली हम लोग ने आखिर डैम क्या होता है, टाइप्स क्या हैं, अलग अलग टाइप्स के डैम एग्जाम्पल्स इंडिया में बाहर, काफ़ी सारा हमने सिस्टम समझा, उसके यूजेस समझे, एडवांटेज समझे और डैम के कुछ जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हमने आज समझा मेनली। बाकी कल की क्लास के अंदर हम लोग जो फोर्सेज उसके ऊपर लगते हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है, चलो, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बिल प्रेस कर देंगे और लाइक शेयर कर देंगे वीडियो को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और बाकी सभी लोग जुड़ सकते हैं बढ़िया से टेलीग्राम पे ताकि तुमको ये पीडीएस वगैरह बढ़िया से मिल सकें। ठीक है, और सभी लोग हमारी जो क्लास चल रही है सोम की शाम को 4 बजे उसमें जुड़ सकते हैं जिसमें हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन हम लोग को करा रहे हैं। ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा तुम्हारे स्टेट एग्जाम्स के लिए और ESE के लिए। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखें सब लोग अपना। It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest.
Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.